Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 8th of September 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. COVID distress: 1 in 6 MSME loan accounts under government pandemic relief package turns NPA. तो यहाँ पर बात की गई है emergency credit line guarantee scheme, जिसके अंदर यहाँ पर loan disburse किए गए थे to MSMEs. तो basically 6 में से एक loan यहाँ पर NPA में turn हो गया है. In an indication of the continuing distress in the micro, small and medium enterprises, 1 in every 6 loans disbursed under the emergency credit line guarantee scheme launched as part of the COVID-19 relief package in May 2020 has turned bad in just 27 months. तो यहाँ पर NCGTC, a company set up by the Union Ministry of Finance, जिसने कि यहाँ पर guarantee provide की थी to these loans, तो इसने यहाँ पर ये बताया है कि 16.4% of the total 98.86 lakh accounts disbursed since May 2020 turned into NPA. फिर यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में बताया गया है. द गवर्नमेंट अनाउंस द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमई सेक्टर इन मई 2020. टू मंथ्स जब यहाँ पर नेशनल लॉकडाउन लगा था, अनाउंस्ड इन मार्च, लोन्स यहाँ पर डिस्पर्स किए गए थे. इसके लिए यहाँ पर 2 साल का मॉरेटोरियम भी दिया गया था. इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कैप कर दिया गया था बैंक्स के लिए 9.25% और यहाँ पर NBFC के लिए 14%. MSMEs वर प्रोवाइडेड एडिशनल लोन्स अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग डेट. द मैक्सिमम लोन जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था वो 50 करोड़ का था, लेकिन बाद में ये सीलिंग्स रिमूव कर दी गई थी. दीज लोन्स वर टू बी कैटेगराइज्ड एज NPAs. अगर 2 साल के मॉरेटोरियम के बाद 3 महीने भी अनपेड रहता है तो यहाँ पर लोन्स को NPA में कैटेगराइज कर दिया जाएगा. फिर यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन है. इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, माइक्रो यूनिट्स आर कैटेगराइज्ड एज यूनिट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है लेकिन टर्न ओवर लेस देन 5 करोड़ है. स्मॉल यूनिट्स वो हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है, टर्न ओवर लेस देन 50 करोड़ है. अ यूनिट इज़ अ मीडियम एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है और टर्न ओवर लेस देन 100 करोड़ है. अब हम सेकेंड न्यूज पर चलते हैं. जॉब क्रिएशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आर फोकस एरिया, सेज सीथारमन. तो बेसिकली गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसके बाद जॉब क्रिएशन करना है एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी को कम करना है. शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि इन्फ्लेशन मैनेजेबल लेवल पर आ चुका है लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी 6.71% है. RBI को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में, तो इन्फ्लेशन अभी भी लिमिट के तो बाहर ही है. According to the latest official data, retail inflation softened to 6.71% in July due to moderation in food prices. लेकिन RBI का जो comfort level है, that is 6%, उससे अभी भी ज़्यादा है for the 7th consecutive month. I am confident that India's key strengths, the size and diversity of the Indian economy, इसके अलावा skilled manpower है, progress made in digital transition. तो basically आने वाले 20 साल में जो इंडिया का global GDP में composition होगा वो यहाँ पर होगा 30% of the global GDP. तो India will enable the country's economy to comprise 30% of the global GDP in the next 20 years. फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें यूक्रेन रशिया की क्राइसिस की वजह से. तो यहाँ पर बजट में ये कहा गया था कि हमें थर्मल एनर्जी से मूव आउट करना है और हमें यहाँ पर फोकस करना है नेचुरल गैस, इसके अलावा रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और कोल के ऊपर डिपेंडेंस कुछ टाइम तक हमारी और रहने वाली है. तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया एक हो चुका है. अब हम चलते हैं आगे. IT surveys, think tank CPR, Oxfam India and trust that funds digital media. In May this year, Election Commission of India ने 87 registered unrecognized political parties को delete किया था क्योंकि ये लोग यहाँ पर donations receive कर रहे थे बिना compliance के. As of September, यहाँ पर 2796 registered unrecognized political parties थी. The Election Commission said IT exemption
आईटी एग्जेम्पशंस 445 करोड़ के क्लेम किए गए थे इन 2018-19 बाई 199 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज और 608 करोड़ के यहां पर आईटी एग्जेम्पशंस क्लेम किए गए थे बाई 219 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो बेसिकली यहां पर टैक्स सर्चेस किए गए हैं एंड दे वर बीइंग कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ एक्शन अगेंस्ट सम रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम चलते हैं आगे। रडार्स अलोंग बांग्लादेश कोस्ट नो बॉर्डर डेथ्स। अब यहाँ पर डेली ढाका के स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है क्योंकि रिसेंटली अभी शेख हसीना की विजिट हुई है। ब्रिंग द नंबर ऑफ डेथ्स अलोंग द बॉर्डर टू जीरो। इसके अलावा जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स है अंडर लाइन ऑफ क्रेडिट उनको फाइनलाइज करना है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट इन 2022 को लेकर नेगोसिएशंस को स्टार्ट करना है। तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को जल्द से जल्द कंक्लूड करना है। इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू ढाका। रेलवे लिंक्स को यहाँ पर बिल्ड करना है। कोस्टल रडार्स अलोंग द नेबरिंग कंट्रीज कोस्ट। दीज आर द की टेक अवेज फ्रॉम बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर हम सारे जो एरियाज हैं उनको अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर रिकोगनाइजिंग दैट पीसफुल बॉर्डर मैनेजमेंट यहाँ पर शेयर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड एक्सपीडिएट वर्क टू कंप्लीट ऑल पेंडिंग डेवलपमेंटल वर्क्स विद इन 150 यार्ड्स ऑफ द जीरो लाइन। और यहाँ पर फेंसिंग करनी है विद द त्रिपुरा सेक्टर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग अ ट्रैंक्विल एंड क्राइम फ्री बॉर्डर। और यहाँ पर जो डेथ्स होती हैं अलॉन्ग द बॉर्डर वो यहाँ पर जीरो लेकर आना है। नोटिंग विद सेटिस्फैक्शन दैट द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू इंसिडेंट्स अलॉन्ग द बॉर्डर हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। Both sides agreed to work towards bringing the number down to zero. It said that both sides noted with appreciation the stepped up efforts by their border arms or border forces. और यहाँ पर smuggling of arms कम हुआ है, narcotics, fake currency, तो basically ये सब कम हुआ है। Trafficking को यहाँ पर कम करना है, particularly of women and children. Both leaders reiterated their strong commitment कि terrorism को यहाँ पर eliminate करना है in all its form and manifestation. इसके अलावा रेडिकलाइजेशन, वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म ये सब खत्म करना है। वाटर को लेकर तो यहाँ पर तीस्ता रिवर की जो एग्रीमेंट है उसको जल्द से जल्द कंक्लूड करना है। ट्रेड तो सेपा को लेकर यहाँ पर नेगोशिएशंस स्टार्ट किए जाएंगे। डिफेंस तो जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस उनका जल्द से जल्द फाइनलाइजेशन होगा। इंडिया रीइटरेटेड इट्स रिक्वेस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग द 2019 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोवाइडिंग अ कोस्टल रडार सिस्टम जिसकी वजह से ज़्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी यहां पर हो पाए। कनेक्टिविटी द स्टेटमेंट सेट द टू लीडर्स अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग बाइलेटरल एंड सब रीजनल रेल रोड एंड अदर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स। बाकी यहां पर रोहिंग्या का इशू है कि बांग्लादेश ये चाहता है कि हम यहां पर जो म्यांमार की जनता रिजीम है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाएं और ये रोहिंग्याज जो हैं उनको वापस लिया जाए और म्यांमार रोहिंग्याज को वापस ले ले क्योंकि ये जो रोहिंग्याज हैं ये रेफ्यूजी की तरह बांग्लादेश में रह रहे हैं जिसकी वजह से यहां पर बांग्लादेश को प्रॉब्लम हो रही है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इंडिया एक्सप्रेस्ड एप्रिसिएशन एट द जेनरोसिटी ऑफ द बांग्लादेश इन शेल्टरिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू ओवर अ मिलियन पर्संस फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द रखाइन स्टेट इन म्यांमार। तो बेसिकली रोहिंग्याज रखाइन स्टेट में रहते थे एंड अंडरलाइंड इट्स कंटिन्यूइंग कमिटमेंट टू सपोर्ट बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार एज द ओनली कंट्री दैट इज नेबर ऑफ बोथ इन द एफर्ट टू इंश्योर सेफ सस्टेनेबल एंड एक्सपीडिशियस रिटर्न ऑफ दीज फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल टू देयर होमलैंड। लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि अराकान आर्मी, वो सारा केस कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर टू ओपन न्यू लुक सेंट्रल विस्ता एवेन्यू एंड अनवील नेताजी स्टैचू टुडे। तो बेसिकली यहाँ पर जो राजपथ है उसको रीनेम कर दिया गया है एस कर्तव्य पथ। द न्यू लुक स्ट्रेच कवर्स लॉन्स ऑन ईदर साइड ऑफ राजपथ नाउ रीनेम्ड एस कर्तव्य पथ। तो ये जो न्यूज़ है ये एक्सप्लेन पेज पर भी डिस्कस की गई है तो वहाँ पर हम यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। क्लास थ्री स्टूडेंट्स लैकिंग बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स। तो कल हमने डिस्कस किया था फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे के बारे में। द नेशन वाइड फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे हैज़ फाउंड दैट मोर देन हाफ ऑफ द असेस्ड क्लास थ्री चिल्ड्रन फ्रॉम डेली हैव ईदर लिमिटेड फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल्स और लैक द मोस्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स। और ये स्टडी कैरी की गई थी jointly by the Union Ministry of Education and the National Council of Educational Research and Training among 86,000 class 3 children in 10,000 schools in the country. और यहाँ पर चार categories में students को divide किया गया था। those who lacked the most basic knowledge and skills, those who have limited knowledge and skills, those who have developed sufficient knowledge and skills and those who have developed superior knowledge. तो basically data आप mains में quote कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ important नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। the New Delhi Municipal
काउंसिल वेंसडे अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम राजपथ एज कर्तव्य पथ. तो राजपथ को, राजपथ का क्या मतलब होता है बेसिकली, राजपथ किंग्सवे, तो इसको किंग्सवे कहा जाता था, जिसको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया एज इट इज़ और इसका नाम हो गया राजपथ. जनपद यहाँ पर क्वींसवे था, तो क्वींसवे को यहाँ पर जनपद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर किंग्सवे को मेयरली हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया था एज राजपथ, लेकिन अब यहाँ पर इसका नाम रीनेम करके क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ. अब हम चलते हैं आगे. यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, कोविड हिट ग्लोबल सप्लाई चेन्स, पीएम एट रशिया मीट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लिसनिंग. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे सेड कि यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और कोविड पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर यहाँ पर मेजर इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज देखी गई है, फर्टिलाइजर्स और फ्यूल्स की शॉर्टेज देखी गई है. मोदी विदाउट मैंशनिंग द रशियन इन्वेजन सेड इंडिया हैज स्ट्रेस्ड द नीड कि हमें यहाँ पर डिप्लोमेसी और डायलॉग करने की ज़रूरत है. जब से यहां पर यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ है, हमारा यही कहने, हमने यही स्ट्रेस किया है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है. इंडिया की जो एंशियंट डॉक्ट्रिन है, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम, हैज टॉट अस कि हमें वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह देखना है. एंड इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इवेंट्स अगर किसी एक पार्ट के वर्ल्ड में होते हैं तो बेसिकली वो हर जगह इंपैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यूक्रेन रशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से फर्टिलाइजर के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं. मोदी सेड इंडिया वेलकम्स द रीसेंट एग्रीमेंट रिगार्डिंग द सेफ एक्सपोर्ट ऑफ सीरियल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड इंडिया इज कीन टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद रशिया ऑन आर्कटिक इशू. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कोऑपरेशन का इन द फील्ड ऑफ एनर्जी. इसके अलावा फार ईस्ट जो रशिया है उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर इंडिया लगातार कोऑपरेशन कर रहा है. ऑन वेंसडे मोदी सेड रशिया कैन बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर द इंडियन स्टील. और यहाँ पर रशिया हमें कोकिंग कोल सप्लाई कर सकता है एंड देयर इज अ स्कोप फॉर operation in the mobility of talent. Indian talent has contributed to the development of many developed regions of the world. और basically अगर हमें Russian Far East को develop करना है तो वहाँ पर भी Indians जो हैं वो rapid development लेकर आ सकते हैं. तो Russian Far East के area को लेकर बात की गई, fertilizer का यहाँ पर price बढ़ रहा है Russia Ukraine crisis की वजह से, fuel का price बढ़ रहा है, तो इसके बारे में ही Prime Minister मोदी ने बात की है. अब हम चलते हैं आगे. कैबिनेट अप्रूव्स स्कीम टू अपग्रेड स्कूल्स विद एनईपी कंडीशन फॉर स्टेट्स. तो यहाँ पर पीएम श्री स्कीम की बात की गई. पीएम श्री क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर श्री पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, अंडर विच यहाँ पर 14,500 स्कूल्स जिनको कि आइडेंटिफाई किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड यूटीज और उनको अपग्रेड किया जाएगा. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% देगी और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 40% कॉस्ट को बेयर करेंगे. द स्कीम विल बी ओपन टू स्टेट्स दैट एग्री टू इम्प्लीमेंट द एनईपी 2020 इन एंटायरिटी. तो जो भी यहाँ पर स्कूल्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं. स्टेट यूटीज वुड साइन एमओयू एग्रीइंग टू इंप्लीमेंट एनईपी इन एंटायरिटी विद द सेंटर लेइंग डाउन द कमिटमेंट्स जो कि यहाँ पर स्कूल को अचीव करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफाइड क्वालिटी. द स्कीम इज ओपन टू स्कूल्स रन बाई द सेंटर एज वेल एज दोज रन बाई द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज. टू क्वालिफाई फॉर द स्कीम, यहाँ पर स्कूल्स को एक प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क को फुलफिल करना पड़ेगा, अबाउट 60 पैरामीटर्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. इस स्कीम के बारे में डिटेल में आया है एक्सप्लेन पेज पर, तो वहाँ पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन हिजाब बैन इज नॉट इनोकुअस टारगेट्स आ कम्युनिटी. तो यहाँ पर जो डिबेट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ये मैटर बाद में भी डिस्कस होगा. तो थर्सडे को आर्ग्यूमेंट आगे चलने वाला है. Meanwhile, a bench of justices Hemant Gupta and Sudhanshu Dhulia hearing the matter for the second day told senior advocate Devadatt Kamath, appearing for one of the appellant students, that right to dress is inherent in the status of an individual. The argument ki ye facet hai fundamental rights ka, lekin aap isko illogical argument tak stretch nahi kar sakte ho. Varna aap kuch time ke baad ye bhi keh sakte ho ki right to undress ye bhi part of fundamental right hai, as that would suggest the right to undress too is part of fundamental rights. To ये यहां पर जजेस का कहना है. फिर यहां पर कामत ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए की बात की, दैट ऑल सिटीजंस शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन व्हिच इंक्लूड्स वंस राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ ए सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर. सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर को एक्सप्रेस करने के लिए आप ड्रेस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, वर्ड्स के थ्रू, एक्शन के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू और एनी अदर फॉर्म. तो यहां पर जस्टिस ने रिप्लाई किया, यू कांट टेक इट टू इलॉजिकल लेंथ. राइट टू ड्रेस विल मीन राइट टू अनड्रेस टू. नोबडी इज अनड्रेसिंग इन स्कूल.
स्कूल, तो बेसिकली यहाँ पर ही आर्ग्यूमेंट चलता गया। फिर जस्टिस गुप्ता सेड हाइपोथेटिकली इफ यू से राइट टू ड्रेस इज अ फंडामेंटल राइट, फिर आप ये भी कह सकते हो कि राइट टू अनड्रेस ये भी एक फंडामेंटल राइट है। जस्टिस गुप्ता सेड हिज इंटरप्रिटेशन मे नॉट बी राइट, ही एडेड दैट बिकॉज वन कम्युनिटी वॉन्ट्स टू कम विद देयर हेडस्काफ, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कामत सेड इन साउथ इंडिया डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी यूनिफॉर्म को वेयर करने के साथ साथ कुछ एडिशन में चीज वेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रुद्राक्ष वेयर करते हैं, क्रॉस वेयर करते हैं। तो यहाँ पर जजेस का ये कहना था कि रुद्राक्ष एंड क्रॉस आर नॉट डिस्प्लेड आउटसाइड, दे आर अंडर योर शर्ट, और कोई आपकी शर्ट हटाकर नहीं देख रहा कि आपने यहाँ पर रुद्राक्ष वेयर कर रखा है या आपने यहाँ पर क्रॉस वेयर कर रखा है। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट वॉयलेशन ऑफ यूनिफॉर्म बट वेयरिंग डिस्प्लेइंग समथिंग एज पार्ट ऑफ योर रिलीजियस आइडेंटिटी इन एडिशन टू द यूनिफॉर्म एंड दैट इज समथिंग विच द स्टेट शुड बी अ लिटिल मोर जेनरस, और यहाँ पर स्टेट को ये बात अकोमोडेट करनी चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई हिजाब पहनना चाह रहा है तो उसको वो अलाउ किया जाए। बाकी इन आर्ग्यूमेंट्स का डिस्कशन थर्सडे को चलेगा, द आर्ग्यूमेंट्स विल कंटिन्यू थर्सडे, तो हम थर्सडे के बाद भी डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। काउंटिंग एवरी सिटीजन, ये आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज सीन्स ऑफ ए डेल्यूज, तो बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा फ्लड आ रखी है, अब इसके क्या रीज़न है? तो हाँ, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एक रीज़न है लेकिन मिस गवर्नेंस उससे बड़ा रीज़न है। ऑफ कोर्स द करंट प्रेडिकमेंट इन बेंगलुरु इज नॉट एन एक्सेप्शन, ऐसे सीन्स आपने यहाँ पर चेन्नई में पहले विटनेस कर रखे हैं, हैदराबाद में, मुंबई, गुवाहाटी, कोची एंड सेवरल अदर सिटीज एंड टाउन्स। ईच टाउन सिटी मे साइट लोकल फैक्टर्स फॉर द कोलैप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है जो कि आपको सारी स्टोरीज में दिख जाएगा, और वो कॉमन थ्रेड क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन वेटलैंड्स के ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया गया है? कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। करप्ट सिविक बॉडीज आर गिल्टी ऑफ ट्रीटिंग सिटीज एज पीसेज ऑफ लाइफलेस रियल इस्टेट, और उनको सिर्फ यहाँ पर बेनिफिट के लिए हाइएस्ट बिडर्स को दे देकर कंस्ट्रक्शन करवा दिया गया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स लॉक हो चुके हैं जिसकी वजह से पानी निकल ही नहीं पा रहा है, हुज डेफिसिट्स आर एग्रीवेटेड बाय द इनएफिशिएंसी ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज। लास्ट ईयर फॉर इंस्टेंस द कैग पुल्ड अप द बीबीएमके फॉर इट्स इनएबिलिटी, कि ये लोग यहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स इन द सिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहां पर रेज करता है अबाउट बेंगलुरु सीवरेज प्लान, स्पेशली द म्युनिसिपैलिटीज फेलियर, कि वो यहां पर सिटी के टर्शरी ड्रेन्स को मैप ही नहीं कर पा रहे हैं जिनका क्रिटिकल रोल होता है इन मैनेजिंग रन ऑफ। अर्बन बॉडीज कंप्लेन कि उनके पास यहां पर एडिक्वेट रिसोर्सेज ही नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स रेट्स आर फार टू लो फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर उनके पास यहां पर रिसोर्सेज होते भी हैं तो बेसिकली यहां पर करप्शन देखने को मिलता है। बट द ट्रूथ ऑल्सो इज दैट सिविक बॉडीज आर ऑफन गिल्टी ऑफ इम्प्रोप्राइटरी इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। द कैग फॉर इंस्टेंस ऑल्सो फाउंड दैट बेंगलुरु म्युनिसिपैलिटी डिड नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, जो स्टॉर्म वाटर जहाँ से निकलता, जहाँ से ड्रेनेज होता, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, सब कुछ लॉक हो चुका है, पानी निकलने की जगह ही नहीं है। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दीज ओमिशंस इज ऑन शो इन बेंगलुरु। नेक्स्ट है ऑन द नोज, तो कल हमने इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हैव रूम मस्ट स्पेंड, थ्री रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव ब्राइटन्ड द आउटलुक फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाई स्टेट गवर्नमेंट। पहला, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स डिवोल्यूशन को स्टेप अप कर दिया है ड्यूरिंग जुलाई अगस्त, और दूसरी बात यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री केपिक्स लोन जो यहाँ पर है उसकी ऑफ टेक देखने को मिली है, एंड द थर्ड थिंग इज दैट ऑफ बजट बोरोइंग्स के लिए यहाँ पर थोड़ा ईज कर दिया गया है। तो यहाँ पर वही मेंशन है, सेंटर कुड ऑल्सो कंसीडर शेयरिंग विद स्टेट्स द लाइकली अमाउंट ऑफ डिवोल्यूशन प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट्स के पास सफिशियंट फंड होगा जो कि स्टेट्स यूज कर सकते हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, दिस ईयर द सेंटर मैसिवली स्टेप्ड अप इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स विच आर ईयर मार्क्ड फॉर कैपिटल स्पेंडिंग। Lastly, the latest guidelines by the center indicate that states of budget debt only for 2021-22 would be adjusted over a 4-year period. So basically, यहाँ पर ये उन states को relief देगा that had undertaken large off-budget borrowings in the previous 2 years. Reaching the journey, ये हमारे लिए important नहीं है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में है। Next है thought for food. According to the Food and Agriculture Organization, food price index 30% से increase हुआ है in the year 2021-22.
लास्ट टाइम ऐसा इंक्रीज हमें 2010-11 में देखने को मिला था, और उसके बाद हमें एक अरब स्प्रिंग नाम का इंसिडेंट देखने को मिला था। तो ऑथर ने यहाँ पर फूड प्राइस को लिंक किया है कि ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से हमें अरब स्प्रिंग देखने को मिला था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि अरब स्प्रिंग कौन से कंट्री से स्टार्ट हुआ था। करेंटली एट अ टाइम व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक हैड ऑलरेडी डिस्रप्टेड द फूड सप्लाई चेन, फिर यहाँ पर टेंशंस एक्सेसरबेट हो गई वाई द व्लादिमीर पुतिन्स वॉर ऑन यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 27% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट फॉर वीट, 16% फॉर कॉर्न, 23% फॉर बार्ले एंड 53% फॉर सनफ्लावर। पीस टाइम में जो ब्लैक सी पोर्ट हैं जो कि अभी ब्लॉक्ड हैं, दे अकाउंट फॉर अबाउट 95% ऑफ ग्रेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन। अभी यूक्रेन यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है, तो रेल रोड नेटवर्क ये सब यूज़ कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का ये नेटवर्क इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एज अ रिजल्ट वैगन्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड वन एट अ टाइम एट द बॉर्डर। 26 कंट्रीज मेनली इन अफ्रीका वो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर मोर देन 50% ऑफ देयर वीट इम्पोर्ट्स। इंडिया ने अप्रैल 2022 में ये कहा था कि इंडिया वर्ल्ड को फीड कर सकता है अगर WTO अलाउ करता है, लेकिन इस बात के एक महीने के बाद ही इंडिया ने क्या किया, वीट के एक्सपोर्ट पर लगा दिया बैन। हाउएवर जस्ट वन मंथ लेटर न्यू दिल्ली बैंड वीट एक्सपोर्ट्स टू कंट्रोल राइजिंग डोमेस्टिक प्राइजेस, और इसके अलावा ये भी डर था कि हीट वेव की वजह से यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन कम हो सकती है। फिर यहाँ पर ऑथर ने ब्लेम किया है कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंजेस को। अब कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंजेस की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस स्पेकुलेशन होता है, जो कि एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें फूड प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ फ्यूचर मार्केट ये था कि जो फार्मर्स हैं वो प्राइस रिस्क से थोड़ा बच सके। अगर यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जो करंट प्राइस है हम इस पे ही बेचेंगे, बेसिकली फार्मर यहाँ पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हम यहाँ पर करंट प्राइस ही हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम डिलीवरी लेटर डेट में करेंगे, दैट वाज द पर्पस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वुड अलाउ देम टू सेल द प्रोड्यूस एट द करंट प्राइस बट फॉर डिलीवरी इन द फ्यूचर। लेकिन जब से यहाँ पर लार्ज पेंशन फंड्स आ गए, हेज फंड्स आ गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गए, तो एक्सेसिव स्पेकुलेशन होने लग गया ये कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंजेस में। In India, even though the year-long farmers protest have forced the Modi government to repeal the infamous farm laws, लेकिन जो private sector का role है वो लगातार increase हो रहा है। Author का ये कहना है कि private sector यहाँ पर holding करते हैं, जिसकी वजह से हमें speculation में prices ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। Today, food inflation is a major cause for concern for food security in India. Incomes decline हुई हैं because of the pandemic. इसके अलावा hunger level India में increase हुआ है। India की rank global hunger index में 101 है among 116 countries according to the Hunger Watch report conducted in February. 45% of respondents reported running out of food in the preceding month. तो क्या किया जा सकता है? Indian government could ensure more transparency on food stocks. इसके अलावा private sector को regulate करने की ज़रूरत है। There is a need to set restrictions on the reserves कि यहाँ पर जो private sector है वो कितना hold कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा food stocks hold कर रहे हैं to later sell at a profit. This will help prevent the opaqueness of private sector reserves which often fuels speculation. तो इस आर्टिकल में तो आपको ये बात कही गई है कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर देखना चाहिए कि वो कितना होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा मिल जाएगा कि गवर्नमेंट जितना इंटरवेंशन करती है उसकी वजह से उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये डिसएग्रीइंग व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, द रिवॉल्यूशनरीज ड्यू, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मिला नहीं है। इसमें यहाँ पर सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में एक दो लाइन मेंशन है। द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया टुक प्लेस ऑन August 15, 1947, लेकिन अगर बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी सक्सीड हो जाती तो इंडिया बहुत पहले फ्रीडम को अटेन कर लेता, ना कि हमने इनहेरिट की होती थ्रू अ ट्रांसफर ऑफ पावर। PM श्री स्कूल्स अपग्रेडेड टू NEP लैब्स। 2 days after Prime Minister Narendra Modi announced that 14,500 schools across India उनको upgrade किया जाएगा to showcase components of the National Education Policy, और ये एक centrally sponsored scheme होने वाली है। PM श्री गया है PM Schools for Rising India, और यहाँ पर 14,500 schools को identify किया जाएगा। की फीचर्स ऑफ NEP क्या थे? द NEP फॉर स्कूल एनविसाजेस द करिकुलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर टीचिंग स्टाइल को कैटेगराइज किया गया था इन द 4 stages, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द फाउंडेशनल ईयर्स जो कि प्री स्कूल और ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड होंगे, उसमें यहाँ पर प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। एट द प्रिपरेटरी लेवल जो कि ग्रेड्स 3 और 4 होंगे, यहाँ पर लाइट टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और थोड़ी फॉर्मल क्लास टीचिंग होगी। सब्जेक्ट टीचर्स आर टू बी इंट्रोड्यूस एट द मिडिल लेवल, दैट इज ग्रेड 6th
टू एट्थ। द सेकेंडरी स्टेज यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी होने वाली है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो प्रपोज कि बोर्ड एग्जाम एक साल में दो बार होंगे, इंक्लूडिंग वन फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स कि वो अपने स्कोर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स पेपर जो कि एक स्टैंडर्ड पेपर होगा और एक यहाँ पर डिफरेंट वन होगा जो कि हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करेगा। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसका मतलब ये है कि 60% यहाँ पर जो फंड्स आएंगे वो सेंटर से आएंगे और 40% यहाँ पर स्टेट से आएंगे। इन द केस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन है वो 90% तक भी जा सकता है। पीएम श्री, केवीज, जेएनवीज, तो यहाँ पर कौन से स्कूल्स इसमें आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, तो केवीज जो कि केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय कम एंटायरली अंडर द सेंटर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इनको फुली फंड किया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। केवीज लार्जली केटर टू चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज जो कि स्टेट में पोस्टेड होते हैं एंड ड्यूटीज, लेकिन जेएनवीज यहाँ पर केटर करते हैं टू नर्चर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। Where and how the PM Shri scheme will be application based, which means states will have to identify schools कि यहाँ पर schemes के अंदर कौन कौन से schools को यहाँ पर upgrade करना है। अब यहाँ पर कौन कौन से schools को select किया जाएगा तो उसके लिए भी parameter है। For example यहाँ पर electricity की availability होनी चाहिए, toilets की availability होनी चाहिए। What's the difference? How PM Shri schools will be different from existing government run schools? They will be equipped with labs, smart classrooms होंगे, libraries होगी, sports equipment, art room, etc. इसके अलावा waste recycling, इनको green schools की तरह develop किया जाएगा, water conservation facility, waste recycling, energy efficient infrastructure and integration of organic lifestyle in curriculum. इसके अलावा ये जो schools होंगे ना ये exemplar schools की तरह काम करेंगे और आस पास के schools को mentorship भी provide करेंगे जो भी vicinity में इनके schools होंगे। In terms of the quality of education, there will be special modules on improving foundational literacy and numeracy. Each school will be linked connected to higher education institutions. Pedagogy जो adopt होगी इन schools में वो ज़्यादा experiential होगी, holistic होगी, integrated होगी, play toy based, inquiry driven, discovery oriented, learner centered, discussion based, flexible, enjoyable, तो ये सब कुछ होगा। Next है यहाँ पर किंग्सवे, राजपथ, कर्तव्य पथ, फ्रॉम राइट टू रूल टू ड्यूटी टू सर्व। द आइकॉनिक राजपथ जो कि स्ट्रेच होता है फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, तो उसको रीनेम कर दिया गया है एज कर्तव्य पथ। एज वी कंप्लीट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तो कोई भी कॉलोनियल बैगेज नहीं रहना चाहिए। द एंटायर स्ट्रेच इन द एरिया फ्रॉम द नेताजी स्टैचू अंडर द ग्रैंड कैनोपी टू द राष्ट्रपति भवन, उसको यहाँ पर नेम किया जाएगा एज कर्तव्य पथ। किंग्सवे टू राजपथ, इसको किंग्सवे इसीलिए कहा जाता है तो बेसिकली यहाँ पर किंग जॉर्ज 5 के ऑनर में जो कि उस समय के एम्परर ऑफ इंडिया थे तो वो यहाँ पर जो कैपिटल है उसको शिफ्ट करने आए थे। लुटियंस कॉन्सेप्चुलाइज द मॉडर्न इंपीरियल सिटी सेंटर्ड अराउंड अ सेरेमोनियल एक्सिस विच वॉज नेम्ड किंग्सवे इन ऑनर ऑफ देन एम्परर ऑफ इंडिया जो कि जॉर्ज 5 थे, जिन्होंने दिल्ली को विजिट किया था ड्यूरिंग द दरबार ऑफ 1911 और उन्होंने यहाँ पर डिसीजन प्रोक्लेम किया था कि यहाँ पर कैपिटल को शिफ्ट किया जाएगा। द नॉमेनक्लेचर फॉलोड दैट ऑफ द किंग्सवे इन लंडन जो कि यहाँ पर किसके ऑनर में था, तो किंग एडवर्ड 7th जो कि फादर थे जॉर्ज 5 के। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इस रोड का नाम कर दिया गया राजपथ, तो बेसिकली किंग्सवे को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि हमें कॉलोनियलिज्म के जो भी सिंबल्स हैं उनको एबॉलिश करना है, तो एक सिंबल हमने वापस एबॉलिश कर दिया है और यहाँ पर राजपथ का नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ। EU प्लान्स टू कैप रशियन गैस प्राइस, तो यहाँ पर पुतिन ने यही कहा है कि अगर यहाँ पर कैप लगाने की कोशिश की गई तो यहाँ पर रशिया नेचुरल गैस सप्लाई नहीं करेगा। द यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड अ प्राइस कैप ऑन रशियन गैस ऑन वेंसडे आफ्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थ्रेटन टू हॉल्ट ऑल एनर्जी सप्लाईज अगर वो कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं। यूरोप हैज़ अक्यूज रशिया यहाँ पर एनर्जी सप्लाई को वेपनाइज कर रहा है। रशिया ब्लेम्स दो सेक्शंस फॉर कॉजिंग द गैस सप्लाई प्रॉब्लम्स और जिसकी वजह से यहाँ पर पाइपलाइन फॉल्ट हो रहे हैं। एस टेंशंस रोज पुतिन सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट्स कुड बी रिप्ड अप इन द इवेंट ऑफ प्राइस गैप, और यहाँ पर विंटर आ रहे हैं तो ऐसे में यूरोप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि यूरोप यहाँ पर रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये एलेप्पो एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये सीरिया में है, सिर्फ आपको इतनी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसराइली अटैक डैमेजेस एलेप्पो एयरपोर्ट, सीरिया कॉल्स इट अ वॉर क्राइम। अब हम चलते हैं आगे, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा हो। RBI DG CBDC टू कट टाइम, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात की गई है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
plan to be introduced this year may become a tool for reducing the time as well as the cost for cross-border transactions. और यहाँ पर financial year 2022 के budget में announce किया गया था कि central bank digital currency यहाँ पर launch की जाएगी, तो उसके बारे में ही यहाँ पर बात की गई है. फिर यहाँ पर RBI innovation hub की भी बात की गई है, reserve bank of india innovation hub. तो ये भी आपको पता होना चाहिए RBI का एक innovation hub है. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि सेंटर शुड बी लोन गवर्निंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग नेट शटडाउन्स. तो यहाँ पर जो इंटरनेट शटडाउन होता है तो वो अथॉरिटी सिर्फ सेंटर के पास होनी चाहिए. द सेंटर शुड बी द गवर्निंग अथॉरिटी इन इशूइंग इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड ओनली इशू सच ऑर्डर्स बेस्ड ऑन गाइडलाइंस लेड आउट बाई द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस. और ऐसा इसीलिए क्योंकि टेलीग्राफ एक यूनियन सब्जेक्ट है. टेम्पररी स्टॉपिंग शटडाउन ऑर्डर्स इन एन एरिया डिस्ट्रिक्ट स्टेट मस्ट ओनली बी through an SOP approved by DOT and telegraph being an union subject only the central government के पास ये governing authority होनी चाहिए. the current ad hoc request की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. इसके अलावा inconvenience भी होती है to local public at large. तो ये यहाँ पर कहा गया है. I hope आपको सब कुछ clear हो गया हो. if you like the today's video then please like share and subscribe. thank you and have a nice day.